उनका पुनर्जीवन किया गया था, माननीय मंत्री जी ने इसको ब्रीफ भी किया था। तो हम ये बताना चाहते हैं कि 180 पद भी हमारे पास हैं, तो हमने 400 पदों पे चयन कर लिया है, उनको नियुक्ति भी दे दी है, और जो बाकी 467 हैं प्लस ये 180 हैं, इनके सापेक्ष भी नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर मैं एक बात जो बताना चाहूँगा कि हम लोग निरंतर अपील कर रहे हैं कि क्योंकि अब लॉकडाउन में काफ़ी शिथिलता दी गई है, तो हम संयम बरतें और बहुत ही जिम्मेदारी से हम पेश आएँ। जब हम बाहर जाते हैं तो हमें मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइजेशन करना चाहिए, आपस में दूरी बनानी चाहिए, और ये खुशी की बात है कि इसमें जन सहयोग प्राप्त हो रहा है, अधिकांश जगह पे लोग इसका पालन कर रहे हैं, और कुछ स्थानों पे जहां ऐसा नहीं हो सका है तो हम फिर से सभी से यही अनुरोध करेंगे कि ये शिथिलता चलती रहेगी, इसमें आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कल को हम बंद करेंगे, हम बंद नहीं करना चाहते हैं, और अगर हम इसी तरह से अनुशासन का पालन करते रहेंगे तो शिथिलता और भी ज़्यादा दी जाती रहेगी। तो पुनः आप सभी के माध्यम से मेरा ये निवेदन होगा कि आप लोग भी जनता में इस बात को फैलाएं कि अनुशासन बनाए रखें, सफाई बनाए रखें, दूरी बनाए रखें, मास्क अवश्य पहने जब भी आप बाहर निकलते हैं, और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे सिम्टम्स हैं आपको या आपके जानने वालों को, जिसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, जैसा हमने बताया कि ये बीमारी का ट्रीटमेंट हो सकता है, समय से आप बताइए, हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी उसको देखेंगे, उसमें अगर कोई आवश्यकता पड़े तो उसका उपचार भी किया जाएगा, जैसा आपने देखा कि हमने इतने सारे लोगों का उपचार किया है, तो वो हम करने के लिए तत्पर हैं। इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैनिक की ज़रूरत नहीं है, कोई भय की ज़रूरत नहीं है, हम पूरी तरह से तैयार हैं सभी को ट्रीट करने के लिए, और अगर वो समय से हमें सूचना दे देते हैं तो और आसानी इसमें होगी। जहाँ तक हमारे आर्थिक गतिविधियाँ हैं, जीविका उपार्जन के संबंध में जो कार्य हैं, इसमें हम आपको लगातार सूचना देते रहे हैं कि मनरेगा के कार्य हमारे सभी विकास खंडों में प्रारंभ हो गए हैं, आरंभ किए गए कार्यों की संख्या में भी लगातार इजाफा होता रहा है, और आज के दिन में जो हमारे पास सूचना है उसके हिसाब से 7910 कार्य पूरे प्रदेश में प्रारंभ हो चुके हैं, और श्रमिकों की संख्या जो कल हमने लगभग आपको 84-85 हज़ार के आसपास मुझे ध्यान है हमने बताया था, तो आज वो संख्या बढ़ के 93 हज़ार से अधिक हो गई है। तो ये डिमांड जो हमारे ग्रामीण अंचल में मनरेगा जैसे कार्यों के संबंध में है वो भी निरंतर बढ़ रहा है। इसमें एक ख़ास बात ये भी है कि 1089 नए श्रमिकों ने उन्होंने अब अपना पंजीकरण करा लिया है, और इन जो नए पंजीकृत हमारे श्रमिक बंधु हैं उनमें से तकरीबन 850 को मनरेगा के कार्य उनको ऑफर कर दिया गया है, और उन्होंने ये कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इसमें ख़ास बात यह है मनरेगा में, पूर्व में भी बताया गया है और आज फिर से मैं बताना चाहूँगा कि इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब की बार ये अपेक्षा की थी कि मनरेगा का उपयोग हम जल संचय, जल संवर्धन और जल संरक्षण इस प्रकार के कार्यों में अधिक से अधिक व्यय करें। तो हमारे भी जो कार्य चल रहे हैं इसमें जल संरक्षण, जल संवर्धन, जल संचय इस प्रकार के कार्यों को प्राथमिकता दी गई है, और सभी ग्राम पंचायतों को, सभी हमारे विकास खंड के अधिकारियों से भी यही अपेक्षा है कि वो इस प्रकार के कार्यों को लें जो कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ तक औद्योगिक गतिविधियों का प्रश्न है, इस समय जो हमारे पास जानकारी है कि 4500 से अधिक
अप्रूवल्स दे दिए गए हैं। कुछ अप्रूवल्स ये हम ऑनलाइन व्यवस्था में बता रहे हैं, कुछ ऑफलाइन लोगों ने भी किया है, क्योंकि कई बड़े छोटे उद्योग हैं ज़िलों में हैं और वो कई बार ऑनलाइन करने में उन्हें असुविधा भी होती है। तो ये ऑनलाइन सूचना हमारे पास 4,500 इस प्रकार के वो हैं, और ऑफलाइन सूचना भी हम जब लेंगे तो संख्या मुझे लगता है कि और अधिक बढ़ेगी। और जो प्राप्त जानकारी के हिसाब से जो 4,479 इतने उद्योग हैं जिन्होंने अपना कार्य चाहे एकदम प्रारंभिक तौर पर ही क्यों ना हो, लेकिन प्रारंभ उन्होंने कर दिया है। और इसमें जो हमारे पास सूचना दी गई है उसके हिसाब से तकरीबन 1,66,000 मजदूर और श्रमिक और दूसरे कार्यकर्ता बताए गए हैं कि इन्होंने कार्य इसमें प्रारंभ किया है। इसके साथ ही हमारे प्रदेश के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है खनन। खनन का कार्य हम लोगों ने कुछ समय पूर्व ही प्रारंभ कर दिया है, और जो हमारे निगम हैं और प्राइवेट पट्टा हैं उन सभी को हम लोगों ने उन सभी से अनुरोध किया है कि कार्य तत्काल प्रारंभ कर दें। इसका रिव्यू भी शासन स्तर पे शुरू कर दिया गया है, जिलाधिकारियों से भी उनसे भी ये अनुरोध किया गया है कि वो व्यक्तिगत रूप से देखें, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का कार्य प्रारंभ हो गया है, मेजर रोड्स के काम प्रारंभ हो चुके हैं, रेलवे का काम प्रारंभ हो चुका है, एयरपोर्ट का कार्य प्रारंभ हो चुका है। बहुत जल्दी आप देखेंगे कि जो हमारे रियल एस्टेट सेक्टर है, जो भवनों का निर्माण है, वो भी तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। तो मटेरियल की हमें ज़रूरत पड़ती है, और उसके लिए सभी जिलाधिकारियों से कहा गया है कि पट्टा का कार्य प्रारंभ करें। कुछ क्रशर्स को लेके कुछ समस्या थी, कुछ क्रशर्स प्रारंभ नहीं कर पाए थे, तो उसके संबंध में भी खनन विभाग के द्वारा निर्देश दे दिए गए हैं, जो परेशानियां थी उनको दूर कर दी गई हैं। और अब व्यक्तिगत रूप से भी जिलाधिकारियों से बात कर रहे हैं, तो अब क्रशर्स भी हमारे चालू हो जाएंगे। ये भी बताया गया है कि जो क्रशर्स में माल पहले से वहाँ पर भंडारण करके रखा गया था, उनमें से अब बिक्री भी प्रारंभ हो गई है। उनके सहयोग के लिए कहा गया है कि अगर आपको आवश्यकता है तो आप PRD होमगार्ड के जवानों को भी वहाँ पे आप नियोजित कर सकते हैं।